प्रणाम, हरे कृष्णा। कृष्णा डिवोटी योगा थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हम अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम के बारे में जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में यम के बारे में चर्चा की थी, आज हम नियम के बारे में जानेंगे। नियम यम की तरह पांच होते हैं। जैसे यम में पांच अंग होते हैं, वैसे ही नियम में भी पांच अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान। इन पांचों का एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला शौच के बारे में जानेंगे। शौच को अगर बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्तर पर समझें तो शारीरिक और मानसिक शुद्धि, और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ और शुद्ध हो जाते हैं, तो हमें अपनी इंद्रियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। साथ ही हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्णतया मन के वश में हो जाती है। दूसरा नियम है संतोष। संतोष अर्थात आप जितने में हैं उतने में ही संतुष्ट रहें। साथ ही हमें और पाने की इच्छा ना करना ही संतुष्टि होती है। हम जितना में रहें उतने में ही खुश रहे हमें। और संतोष का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेना, और साथ ही जितना हमारे पास उपलब्ध रहे उतने में ही खुश रहना। संतोष, किसी महर्षि ने कहा है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। संतोषामृत पिया करो, अर्थात संतोष रूपी अमृत का पान करो, जिससे सभी तृष्णाओं का नाश हो जाता है। और हमारे नियम का तीसरा रूप बताया है तप, अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से तप करना। साधारण शब्दों में समझे, शरीर और मन को पूर्ण रूप से तपाना या कष्ट देना ही तप कहलाता है। क्या खूब कहा है, शारीरिक निर्बलता तथा मानसिक अपरिपक्वता ही हमें सामान्य जीवन जीने या यौगिक जीवन जीने में सबसे बड़ी बाधा का काम करता है। इसलिए हमें अपने मन को परिपक्व बनाना चाहिए और शरीर को मजबूत बनाना चाहिए। जैसे सोना को तपाने से शुद्ध होता है, वैसे ही हम जितना अपने शरीर को तपाते हैं, जितना हम कष्ट देते हैं अपनी क्षमता अनुसार, उतना ही हमारा शरीर और मन शुद्ध होता है। हम विपरीत परिस्थितियों में भी हम अडिग हो करके अपने दायित्वों को निभाते हैं, और साथ ही हमसे और लोग प्रेरणा भी लेते हैं, और किसी को कष्ट में रहकर भी उनके दायित्वों को निभाते हुए हम जब देखते हैं तो हमें साथ में एक प्रेरणा मिलता है कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में रहें तो हम भी अड़े होकर अपने कर्तव्यों का पालन करें। चौथा महर्षि पतंजलि बताते हैं कि स्वाध्याय, अर्थात स्वाध्याय से तात्पर्य होता है कि स्वयं का अध्ययन करना। और जब हम स्वयं का अध्ययन करते हैं तो उससे पहले हमें शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। स्वयं का अध्ययन हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि हर किसी का मन निर्देशित नहीं होता है कि वह स्वयं उसका मन निर्देशित करे। तो इसके लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, शास्त्रों में विश्वास करना पड़ता है, और साथ ही हमें शास्त्रों में कही गई बातों को हमें अपने अनुभव में लाना होता है, और साथ में मंत्रों का उच्चारण करना होता है। आप जब मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप खुद अपने आप में परिवर्तन देखेंगे। कि यहाँ पे स्वाध्याय से तात्पर्य मंत्रों का जाप और शास्त्रों का अध्ययन से बताया गया है। जैसे जैसे आप मंत्रों का जाप करेंगे, वैसे वैसे आप मानसिक रूप से बहुत ही ज्यादा आप शांत खुद को महसूस करें। स्वाध्याय के द्वारा हम अपनी जो भी मन में उठने वाली समस्याएं हैं उन सब का समाधान हम शास्त्रों में पा सकते हैं। और जब हम नित्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमारे मन की सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, और हमारे मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का जवाब हमारे शास्त्रों में है। आप शास्त्रों का अध्ययन करें। आप अगर यौगिक जीवन जीना चाहते हैं और आप योग के अंगों के नियम का पालन कर रहे हैं तो आपको स्वाध्याय करना होगा नित्य प्रति। या तो भगवत गीता पढ़िए, या रामचरितमानस पढ़िए, या तो आप उपनिषद पढ़िए। आपको जो भी जिसमें श्रद्धा हो आप उसको पढ़िए, लेकिन हर रोज कुछ पढ़िए। इससे आपके माइंड में एक क्लियरिटी आती है, एक शुद्धता आती है, और आप पहले से और बेहतर बन पाते हैं। पांचवा महर्षि पतंजलि ने
प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान बताया है। ईश्वर प्राणिधान से तात्पर्य ये होता है कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। ईश्वर के चरणों में समर्पित करने से ये होता है कि हम और अपने आप को मजबूत पाते हैं और अपने आप में एक अलग ही उत्साह पाते हैं। जब हम महर्षि पतंजलि पांचवा नियम ईश्वर प्राणिधान बताते हैं और कहते हैं कि ईश्वर प्राणिधान का अर्थ होता है स्वयं को ईश्वर की चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। अपने मन, वचन, कर्म, इन तीनों तरीके से ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। साथ ही हम जो भी कर्म करें, हमारे भीतर कोई भी इच्छा रहे और हमारे अंदर कोई भी द्वेष, राग, ज्ञान, लोभ, लालच, जो कुछ भी हो, अगर हम अपने ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो यकीनन वो सारी चीज़ें एक बैलेंस में आ जाती है और हमारे अंदर के सारे विकार दूर हो जाते हैं। साथ ही हम एक नियमबद्ध तरीके से जीवन जीते हैं और हमें जो भी परिणाम मिलता है वो भी हम ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं। जब हम कर्म करते हैं और ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, वैसे ही जब हम कोई भी कर्म का परिणाम मिल जब वैसे ही हमें कोई भी कर्म का परिणाम अगर मिलता है तो वो भी हम ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं। जब कुछ ना का भाव रहे और सिर्फ समर्पण का भाव रहे, वो भी ईश्वर के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति, इस नेचर के प्रति, तो ही वो ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत आता है। तो महर्षि पतंजलि का पांचवा नियम ईश्वर प्राणिधान था। इस प्रकार मैंने सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का चर्चा की। जब हम कोई भी कर्म नियमबद्ध तरीके से करते हैं और नियमों का पालन करते हैं तो हमारा चरित्र के हमारे चरित्र का उत्थान होता है। हम एक बेहतर जीवन की तरफ बढ़ते हैं और हम अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। तो हमें अष्टांग योग के नियमों का पालन करने के लिए यम और नियम, ये दोनों अंग का पहले पालन करना है। यम का जो पाँच अंग है वो, और नियम के पाँच अंग हैं। इन बिना पालन के हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ नहीं बढ़ सकते और बढ़े भी तो उसका पूर्ण लाभ नहीं पा सकते हैं। जब तक हम इन दसों नियमों में ना बंधे, इन दसों नियमों का पालन ना करें, तब तक हम आसन प्राणायाम कितना भी कर ले, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आप कितने भी अपने शब्दों में कर ले, लेकिन वास्तव में आप नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का एक फाउंडेशन होता है और अष्टांग योग का यम और नियम, इनके दसों जो अंग है वो अष्टांग योग का एक फाउंडेशन, एक बेस है। बिना इस बेस को खड़ा किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप आगे बढ़े भी तो आपका जो बेस है वो डगमगा जाएगा। इसलिए इन दसों नियमों का पालन करके आप आगे बढ़े, आप आसन की तरफ बढ़े, अगर आपको पूर्ण लाभ चाहिए तो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।